हालत अबे पानी की हालत यार, सन को पानी कोने को ऑफिस। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सांगढ़ के इलाके मुंड जमड़ाओं में मौजूद हूँ, जहाँ पर नहरी केनालों का बहुत बड़ा निज़ाम मौजूद है, जहाँ से बड़े बड़े केनालों को पानी की तकसीम होती है। इस वक्त मैं नहरी केनाल नारा केनाल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो पानी की पोजीशन है वो 13,000 क्यूसिक है। लेकिन अगर दूसरी जानब अगर हम बात करें पुछड़ी के इलाकों में, तमाम जो किसान हैं वो आज पानी के लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस वक्त भी सांगढ़ के कई इलाके हैं, दिम के नाल की बात करें, नहर सदर 2 फीटर शाह की बात करें, या इसके अलावा शाहपुर के इलाके सदावा की बात करें, जहां पर किसानों आबादगारों को पानी ना मिलने की वजह से वहां के किसान इंतहाई परेशानी से दो चार हैं। उनकी जो ज़मीनें काश की गई थी जिसमें कपास गन्ना वो भी सूख रहा है। अगर देखा जाए तो हम कंटिन्यूसली यहाँ पर आते हैं, तो पहले यहाँ पानी बहुत कम था, लेकिन अब इंतहाई जो है अपर लेवल पर पानी है, पानी अपने आम रूटीन से पूरा है। लेकिन हमारे पास पुछड़ी पे वहाँ पे जो है वो बाराबंदी की जा रही है और शाखों में पानी नहीं है, हमें तो समझ नहीं आ रहा ये पानी जा कहाँ रहा है, यहाँ पे तो पानी पूरा है। सब तकलीफ है, वाटर सुकल सजा वाटर दिसो हेडो हे दिसो फसल सड़ी वी सा खाक थी वी पानी असें खपे सजा न पानी असें खपे। सर मेरा नाम सफदर अली जट, फीडर शाख सदरट 1 बच्चल चांडियो जो है सीडा का चेयरमैन है, मेंबर है, उसके गैर कानूनी धिक्के लगे हुए हैं और माल बैठता है, ये अगर जाके माल उठाते हैं तो लड़ते हैं आगे से। बताओ हम जिम्मेदार किस किस से लड़े, अफीसरों से जंग करें, सीडा से जंग करें, या जिम्मेदारों से जंग करें। तो यहाँ पे तो पानी बहुत है, आखिर क्यों पानी कहाँ जा रहा है? पानी सर हमारे पास तकरीबन एक बार नहीं, 2-3 बार कोर्ट कर चुके हैं, तकरीबन 3 बार कोर्ट कर चुके हैं, फिर भी हमारे को इंसाफ नहीं मिलता। अम्बले वारे जो कसूर है, ठीक है, इन्हीं नहर से जो टोटल 27 वाटर जिनमें गैर कानून लूली हुआ ना, बटरी लूली हुआ, गैर कानूनी जगह अगर ये बटरी लोली लगी वजन तो समझो तो पानी टेल तो पहुंचा जमड़ा 9.5 फुट हले पे वरी पे पानी छो न तो पहुंचे। साईं मुझे चाहे पे ना 27 जगह वाटर वो होने का पता कहीं खाटी भी ना होंगी, खाटी भी ना है, जो 27 वाटर जो लोली ना बंद करें, ये 27 वाटर पहले ही होंगे तो बिल्कुल ओवरटॉप हलंदा, पानी जाम होंगे। सर का जमींदार हूँ फीडर का, तो ये हमारा दिक्का है एंड का और 46 RD, तो आप इस वक्त पोजीशन देख ली और आपने टोटल नहर की कवरेज की है, हमने इरिगेशन को यही बोला गया है, ऊपर 27-28 नूलियाँ लगी हुई हैं, दिक्के हैं वो आप पटो, तो दरोगे को भी कहा है और SGO साहब को भी कहा है, बदर साहब को, उनके बाद हमने डायरेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन लिखी और हमारे चेयरमैन साहब भी हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं, मगर चेयरमैन की भी नहीं सुनाई हो रही है ना हमारी सुनाई हो रही है। अब हम सब ज़मींदारों ने मुत्तफिक होकर आप लोगों से थोड़ी सी हमराई मांगी है, आप लोग थोड़ी हमारी आवाज़ जो है मुराद अली शाह साहब वाले हैं जितने भी ऊपर हैं वो सुने, और ये टोटल हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप वीडियो में हमारी हकीकत देखें, हम नाजायज़ हों तो आप हमारा पानी बिल्कुल बंद कर दो। अच्छा पोजीशन है, पानी ना है, मथो को वी बदर बचाओ वो भी लगो पिको उत लगा 10 दफ़ा सा जो भजी दें तो भजन ना दियन वरी आया तो 26 डूडू लगी प्यून 25 वाटर पर जबर ओवरटॉप हले तो आया हुई चाहे तो वरी अच्छी सोरे में बिठाऊँ तो उतने धिको लगो पे हर जगह से चुका असा गरीब काले वनू काले क्यों असा जब बच्चा कमर था पे पानी पीने का कोने को नलक असा माल पियाँ था पे बच्चे चाहें तो बचल से डूडी भी पासे में लगी पई आ। जैसे कि यहाँ पर नहरी किनारों में बड़ी मिकदार में पानी मौजूद है, लेकिन आज भी जो पुछड़ी के इलाके हैं वहाँ पर पानी ना पहुँचने की वजह से जो किसान हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस सिलसिले में किसानों ने ये कहा कि बड़ी तादाद में पानी होने के बावजूद इरीगेशन निज़ाम में मुनसिफाना तकसीम ना होने की वजह से आज हमारी ज़मीनों की जो फसलें हैं वो सूख रही हैं, हमारे इलाकों की ज़मीनें वो बंजर हो रही हैं। तो ज़रूरत इस अमल की है कि फ़ौरी तौर पर इरीगेशन में शफाफियत का निज़ाम लाना चाहिए ताकि हर गरीब किसान को भी पानी का हक मिल सके। अब्दुर्रहमान खास के लिए मेरा सांगढ़।